इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं। आज बकरीद पर यहां पर नमाज अदा की गई। हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? आज ईद हम लोग मनाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के सुन्नत को अपने बेटे के कुर्बानी के, उस पर जो दीन इस्लाम में जिसको जो है कंपलसरी कर दिया गया है आने वाले क़यामत तक के लिए। क्या दुआ मांगे? और आज की दुआ यही है कि अमन चैन का दुआ है। ईद में, हर ईद में यही माना जाता है, अमन चैन का। अच्छा। और आपस में इत्तेहाद का। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग देश में उठ रही है। पीएम मोदी भी बोलते हैं कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। ये भी कह रहे हैं कि कुछ विपक्षी दल लोगों को इस पर गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो एक दल फिर ऐसा कह दें कि एक देश में चार धर्म नहीं चलेगा, एक देश में चार तरह के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ एक तरह के लोग रहेंगे। अगर ऐसा होता यार, ऐसा आपको समझ में आता है तब इस बात पर बात भी की जाए, वरना इस पर तो बात करना भी बेकार की बात है। अच्छा, देखिए बीजेपी के चुनावी एजेंडा में ये लंबे समय से रहा, फिर से चुनाव आ रहा है तो बीजेपी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, तो क्या सच में ये लाना चाहते हैं या बस चुनावी फायदे के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिये, हमको नहीं लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ना, इससे कोई है ना अच्छी चीज नहीं है। ये सब बंद कर देना चाहिए, जो सही है उसी को करें, ये है ना। ये अच्छी चीज नहीं है जो ये लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज सोल कोड ये कैसे होगा? सबका अपना अपना, चार धर्म के लोग हैं, चार सब ऐसे लोग हैं, सबके लिए सोचना है ना, सिर्फ एक के बारे में कैसे हम सोच सकते हैं? अच्छा, एक देश एक कानून की बात कही जा रही है यूसीसी के जरिए, आप लोग क्या इसके पक्ष में है? नहीं, इसके पक्ष में तो नहीं है। हर तरह के धर्म के लोग, मजाहब के लोग रहते हैं, सबका अलग संस्कृति, अलग पहचान है, अलग खुशी। जैसे आज ईद का दिन देखिए कितना खुशी है, हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब मिलके इस त्यौहार को खुशी से मनाते हैं। हम लोग भी होली में जाते हैं हिंदू भाई के यहाँ, तो साथ में खाते पीते हैं, रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं। इसी तरह हर लोग, संविधान भी, यहाँ का संविधान भी, तहजीब भी है कि यहाँ हर तरह का मजहब है, संविधान कानून बना हुआ है कि अपने अपने तरीके से बनाए, खुशी से बनाए और सब मोहब्बत इतिहास से रहे, एकता से रहे। ये हमको लगता है ये कानून लाना सही, ये हमको लगता है चुनावी मुद्दा है, चुनावी फायदा के लिए सब किया जा रहा है। अब कुछ नहीं, 2000 ये जो विधि आयोग है उसने उस जो है वो मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से, आम लोगों से राय विमर्श कर रहा है, खास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो क्या अभी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है या बस चुनावी लाभ के लिए कुछ दल इसको उठा रहे, क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि संविधान में जो कानून बना है वो सबको देखते हुए बना है। आज हर का ख्याल हर मजहब के, क्योंकि ये हिंदुस्तान गंगा जमनी का त्यौहार है ना, सारे लोग रहते हैं, इसलिए उस हिसाब से संविधान में कानून बना हुआ है। अभी नया चीज लाना अच्छा नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, लोगों को गुमराह किया जाता है और कोई बात नहीं, इससे कोई लाभ है नहीं। देखिए, देश की तरक्की कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो, इस पर काम किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए, ज्यादा बेहतर है, इस पर ज्यादा तवज्जा दी जाए, ज्यादा बेहतर है। पीएम ये कह रहे हैं कि घर में अगर 3-4 व्यक्ति हैं तो एक के लिए अलग कानून हो, दूसरे के लिए अलग कानून हो, तो क्या ऐसे घर चल पाएगा? कि मतलब उनका कहना है कि यूसीसी जरूरी है? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इस कानून की जरूरत नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। एकदम से चुनाव से पहले मुद्दा उठाया जाए तो क्या लगता है चुनावी फायदे के लिए? बस चुनावी मुद्दा और कुछ नहीं है, बस चुनाव के समय में ये सब निकाला गया है और कुछ नहीं। कहा यह जा रहा है कि यूसीसी का मतलब एक देश एक कानून, समय की मांग, इस तरह की बातें कही जा रही है। कोई फायदा नहीं है सर, कोई सोचने वाली बात नहीं है, सब चुनावी मुद्दा। क्या बोला था इससे और समाज में तनाव होगा? हाँ, समाज में तनाव होगा, एक दूसरे धर्म में जितना भी मेल मोहब्बत रह रहे हैं उसमें थोड़ा सा नफा किया जाएगा, नफरत आएगा इस तरह के कानून आएंगे तो, कुछ दलों को इससे फायदा होगा। जैसे हम लोग जो है ईद बकरीद में, जैसे हम लोग ईद मनाते हैं उसी तरह से या कहाँ होली मनाते हैं, तो हम लोग वहाँ मिलने के लिए जाते हैं। प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ता है, एक दूसरे से मिलेंगे, एक देश में एक तरह का जो है सब मिलजुल के रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब धर्म में आप सब धर्म का कानून बनाइएगा तो दिक्कत है ना। कहा तो ये जा रहा है खास करके बीजेपी की तरफ से कि यूसीसी के नाम पर कुछ दल जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं, सब ये सब चुनावी मुद्दा है और कोई बात नहीं। तो देखिए, ये सब चुनावी मुद्दा है, गांधी मैदान में जो लोग बकरीद की नमाज पढ़ने आए थे, हम लोग उनसे बातचीत के लोग कर रहे हैं इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सो ये सब बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, चुनाव आते हैं तो बीजेपी को इस तरह की बात याद आती है, यहाँ के जो लोग हैं ये कह रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।